है कि जो पहली इंडिया की सबसे एग्रेसिव टीम है उनके साथ फाइट हो भी चुकी है, नॉक भी किया गया, फिनिश भी कर दिया गया, एडमिनो एंड डाकू दो प्लेयर बचेंगे टीम मायावी से, क्लच गॉड एंड बाकी सारे निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। एडमिनो को वहां पे डैमेज दिया जरूर गया है, बट डाकू की बात करें शायद उनकी भी पोजीशन यहां पे रिवील हो सकती है। आप एडमिनो को देखें, वो निकल गए, वो ऊपर के साइड पे गए जरूर, बट डाकू वो अकेले यहां पे रह गए, मोस्ट प्रोबब्ली वो भी निकलने में कामयाबी हासिल करेंगे, बट नहीं, वो वापस से कंपाउंड के साइड पे आते हुए दिखाई देंगे और बहुत ज्यादा ओपन में इस वक्त। डाकू अकेले यहाँ पर क्यों है, क्या है ये सवाल बहुत सारे रहेंगे। व्हीकल लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लिए ही दुर्घटना घटने वाली है और इंस्टेंटली पिक किया जाएगा। वेल एडमिनो भी थे यहाँ पर, बट वेल ही सेड नो और वो जल्दी से जल्दी आगे चले गए अपना व्हीकल लेकर के। लेकिन ये आठवां फिनिश गॉडलाइक इसमें आप देखिए गाड़ी को बदला जाएगा। ओ मुक्केबाजी यहाँ पर चलती हुई, जोनाथन का पैन देखने को मिलता हुआ। ओके well, 7C की तरफ से हमने पहले दिन आखिरी गेम में पैन देखने को हमें मिला था, और इस बार जोनाथन की तरफ से पैन जो है देखने को मिला है, और वो जो गाड़ी है उसको भी बदला गया यहाँ पर। कोई ना जगह में देखने को मिल रही है अगले प्लेयर्स को भी यहाँ पर स्पॉट करने की, जहां से गॉड लाइक ने शुरुआत करी थी। वेल अगर वहीं पर खत्म करते हो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, बट एडमिन नो क्लच गॉड बिल्कुल सामने स्पॉट किए गए, उनके हाथ में एक मोलोटॉव, उनको पता था कि प्लेयर को बाहर कैसे निकाला जाए। एक प्लेयर यहाँ पर पीछे की तरफ को आए जरूर है, क्लच गॉड एचपी उनकी कम है, हील तो अभी नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली हीलिंग के नाम पर कुछ है नहीं, लेकिन वे बैकअप आया था, बट क्लच गॉड को जरूरत थी नहीं। रेट हो गई, मात्र 38 प्लेयर बचे हुए, गॉडल ऐसे घूम रही है जैसे किसी गार्डन में आए हो, बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे। अभी भी आरी के जो हीरो हैं उनको डाउन किया गया है, यहाँ पे सामने प्लेयर और भी मौजूद रहेंगे, किनारी को वहां पे स्पॉट किया गया, उनका हेड दिखाई दिया, दूसरे प्लेयर है वहां पे मौजूद। क्लच गॉड एक बार फिर से अपने ऊपर डैमेज लेते हुए बड़े अच्छे समय पे प्रोन हुए जरूर है, बट फिलहाल के लिए गॉल के बाकी सारे प्लेयर्स को आप देखें दूसरे साइड से रोटेट करके वो पहुंच भी चुके हैं। क्या एक और स्क्वाड का एलिमिनेशन हमें देखने को यहां पे मिलने वाला है, ग्रेनेड्स की बारिश होती हुई, गॉड लाइक नौ फिनिशर्स के साथ उनका टारगेट इस वक्त है 13 फिनिश, क्योंकि ये स्क्वाड को उन्हें एलिमिनेट हर हाल में करना ही करना है। करारी वापस स्पॉट किया गया, एक अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ जोनाथन का, बट उससे पहले ही वहां से वो निकल गए, बट जोनाथन को डैमेज पड़ा जरूर उस ग्रेनेड से, बट फर्क नहीं पड़ता, हील करने की जरूरत पड़ सकती है, पीछे प्लेयर मौजूद है, बट आप आरी की स्क्वाड को देखें सीधा फॉल बैक करते हुए आपको दिखाई देंगे। आरी के प्लेयर्स को पता चल चुका है खतरा बिल्कुल सामने है, फॉल बैक करने की कोशिश थी, बट वेल गाड़ी को भी वहीं पर रखा जाएगा, हीरो ने भी यहां पर हील कर लिया है। जोनाथन तैयार हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, जस्ट वो कहीं ना कहीं नो हल्का सा रुक रहे हैं, पीछे की तरफ को आ रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि हर एक एंगल हर एक एरिया चेक करके ही आगे जाना चाहेंगे। ज़ीगॉड वो भी हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट नियो भी, बट जोनाथन धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने सांप है। कैनरी के फॉर्म में खुद को फुली बूस्ट अप करके प्रॉब्लम यहां पर फाइट लेना चाहेंगे, बट कैनरी वो कितनी देर तक यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे इंपॉर्टेंट सवाल। उठ गए, अपनी लोकेशन दे दिया, हीरो की बात के सामने मौजूद थे, उन्होंने डाउन जरूर किया, बट हीरो भी इसी के साथ डाउन होंगे। जोनाथन के हाथों हीरो को खत्म किया गया, 10 फिनिशेस इस वक्त टीम गॉड लाइक ने ले लिया है, क्योंकि हिटमैन गए तो थे वो फिनिश अपने नाम करने के लिए, बट आप देखें जी गॉड हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे क्लासिक मैचेस चल रहे हो, यहाँ पे दूसरे साइड पे FPS है जो फिनिशेस निकाल रही है, यहाँ पे गॉडलाइक की स्क्वाड है जो सारे फिनिशेस निकाल के जा रही है। आईडी डाउन है, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आप नियो को देखें, उन्होंने इविल को भी डाउन कर दिया इसी के साथ, आयरन साइड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर उनके इनसेन जो इस मैच में सर्वाइव करते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या वो हील बैटल शुरू कर चुके, क्या ये पहली कूंज है हील बैटल की, वो भी एक सवाल बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनोक का ये तरीका रहता है, अगर उनके पास हीलिंग्स नहीं तो दिक्कत हो जाएगी वहीं पर, फाइट जरूर देंगे, बट जो टीम सर्कल के बाहर है उनके लिए क्या। बट कैनारी की बात करी जाए, कहां जाएंगे आप जब आपके सामने प्लेयर आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, 15 फिनिशेस गॉडलाइक के पास ऑलरेडी। गॉडलाइक ये गेम जीतने का दावा कर चुके हैं, जिस तरीके से फिनिशेस निकाल रही है। सोल के प्लेयर्स की बात करें, सर्क्सी को इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिल सकता है। गॉडलाइक के प्लेयर्स आप देखिए गाड़ी में है, दो प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, जोनाथन अभी पीछे है, और वो उसी घर पर जाएंगे। दिस इज व्हाट वी ऑल वांटेड टू सी, दिस इज व्हाट वी ऑल वर वेटिंग फॉर, द मनी गेम इज ऑन बेबी। एंड इसी के लिए नेट यहां पर किए जा रहे हैं, सोल के प्लेयर्स है वहां पर, वहीं पर गॉडलाइक की तरफ से नेट परेड घर के अंदर हो रही है। क्लच गॉड की तरफ से मोलोटॉव्स किए जाएंगे कांस्टेंटली, नीड्स एंड मोलोटॉव्स किए जरूर जा रहे हैं। ये जो स्क्रीन शेक है ये दिख रहा है, नेट का डैमेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है, फिर को डाउन की जगह मोलोटॉव के द्वारा इस घर का कंट्रोल तो प्लेयर्स लेना चाहते हैं। सोल यहां पर जोनाथन स्कूटर पर आ चुके हैं, हर एक चीज के बाद
ज्यादा हल्के जोन स्कूटर no. अंदर आएंगे, एक प्लेयर को यहाँ पर क्लच शॉट पिक करते नजर जरूर आएंगे और सीधा फिनिश ऑफ किया जाएगा। सोल के प्लेयर्स देखते देखते बैकफुट पर गॉडल के क्लच गॉड, अकेले बचे हुए प्लेयर्स, फोर हीरोज के माइटी कोशिश थी बट इतना चतुर आप नहीं बन पाएंगे। पीछे से प्लेयर्स पिक करते नजर आएंगे, सोल के वाइपर में नजर आ रहे हैं और वाइपर को फाइट लेनी पड़ेगी। क्लच गॉड क्या वो ये पिक निकाल पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पता है पीछे एक प्लेयर था बट अभी अभी वो प्लेयर जोन से फिनिश हो चुके। सी गॉड को यहाँ पर टच जरूर किया जाएगा, सर्कल आएगा अगले 40 सेकंड के अंदर। तीन टीमें सोल वर्स सर्कल की अगर बात करी जाए तो गॉड लाइक स्क्वाड सर्कल के बाहर हो चुके। रॉक्स को वापस स्पॉट किया जाएगा, ये ग्रेनेड शायद ठिकाने पे गिरेगा और रॉक्स डाउन होते हुए दिखाई दे जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल डैमेज पड़ा, क्लच गॉड ने देखा, रॉक्स यहां पे डाउन किए गए। वाइपर लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम सोल फिलहाल के लिए सर्कल के अंदर मौजूद जरूर बड़े एफपीएस इस चीज का फायदा उठाते हैं। वाइपर ने वहां पे एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, सी गॉड डाउन हो चुका है। क्लच गॉड लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे बट शायद एफपीएस के प्लेयर आदित्य आएंगे, क्लच गॉड को डाउन किया और इसी के साथ तीसरे स्थान पे गॉड लाइक कैलिब्रेशन और वाइपर लास्ट प्लेयर बचा अपनी टीम से। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया।